नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अनटिल समवन डज इट, यानी कि हर चीज ही हमेशा नामुमकिन होती है जब तक कि इसे कोई कर नहीं देता। और फिर हमें लगता है ये तो मुमकिन था, ये तो मैं भी कर लेता। तो भाई आप कर सकते थे तो फिर किया क्यों नहीं? या फिर हुद भाई की तरह चांद पर जाते मौलवी ने पैंचा खींच लिया था? इस वीडियो से भी आप कितना कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते, ये तो आपके ये वीडियो देख लेने के बाद ही आपको अंदाजा होगा। एक बात अभी से पल्ले बांध लें कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं, बल्कि आप वो भी कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। ये बात सबको मालूम होती है कि उनके लिए क्या चीज अहम है क्या नहीं, इसका नफा नुकसान भी समझते हैं। इसके बावजूद कम ही लोग इस पर अमल कर पाते हैं, ज्यादातर अहम को छोड़कर गैर अहम को पकड़ लेते हैं और उसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जो वक्त के साथ हमारी आदत बन जाती है। दरअसल हमारी आदतें ही हमारा मुस्तकबिल बनाती हैं। अगर आप सुबह रनिंग करें तो आप देखेंगे कि कुछ दूर तक दौड़ने के बाद आप थक जाएंगे और कहेंगे कि बस यार अब और नहीं भागा जाता, और आप जल्द ही रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप दौड़ शुरू करने से पहले एक मंजिल तय कर लें, मसलन ये कि मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है या फलां मकाम तक दौड़ना है, तो आपका सारा ध्यान मंजिल पर रहेगा कि इतनी दूर रह गई, बस इतनी दूर रह गई, थोड़ा और हिम्मत, बस करीब आ गई। यूं आप जैसे तैसे करके मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये टारगेट आप हासिल कर लेंगे तो आप खुद ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर आपने अपनी मंजिल तय ना की होती तो आप कहीं रास्ते में ही रुक गए होते, जहां आपको लगता कि आप थक गए हैं। यही फलसफा जिंदगी के गोल्स में भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप अपना कोई गोल सेट कर लेते हैं तो वो आपको उसकी मंजिल पर खींच ले जाता है, क्योंकि इंस्पिरेशन के साथ आपके सामने एक डायरेक्शन मौजूद होती है और अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि आपको ये गोल सर करना है, इसकी मंजिल तक पहुंचना है। गोल्स के लिए ये जरूरी नहीं होता कि पहली बार ही कोई बहुत बड़ा गोल सेट किया जाए। छोटे छोटे गोल सेट करें, जैसे 1 दिन का गोल। जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितनी खुशी मिलती है, कितना इत्मीनान मिलता है। इसके बाद आप इंजॉय करें, खेले कूदें, जो मर्जी हेल्दी एक्टिविटी करें, ताकि जिंदगी बोर ना हो और आपका पहला गोल ही आखिरी ना बन जाए। अगले दिन फिर से नया गोल पूरा करें। यूं आपको चंद दिन में ही गोल्स पूरे करने की ऐसी लत लग जाएगी कि गोल पूरा किए बिना आपको चैन ही नहीं आएगा। फिर इन छोटे छोटे गोल्स के जरिए जिस रोज आपका कोई टारगेट पूरा हो जाए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर दोस्तों बहन भाइयों के साथ खूब सेलिब्रेट करें। याद रखें, रातों रात कामयाबी का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं। ऐसे फार्मूलों के पीछे भागते अपना वक्त जाया ना करें। ये झूठ मूठ की घड़ी हुई कहानियां होती हैं जो दरअसल आपका वक्त बर्बाद करके अगले अपना मतलब निकालते हैं, चाहे वो वीडियोस की सूरत में हो या फिर किसी प्रोग्राम के टिकट की सूरत में। कामयाबी मेहनत से मिलती है, मुसलसल मेहनत से, जिसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी मायूसी भी होने लगती है, जिसे झटकना होता है, और बिलाखिर एक दिन आप अपना कोई पहला माइलस्टोन हासिल कर लेते हैं। यही पहला माइलस्टोन ही दरअसल मुश्किल होता है। उसके बाद तो आप में खुद ही करंट आ जाता है और आप रुकते ही नहीं, एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव करते जाते हैं, और आपको रोज के गोल की बजाय बड़े माइलस्टोन्स अचीव करने की लत लग जाती है। जैसे आप देखते हैं कोई गेम खेलते जब हम जीत जाते हैं तो कितना मजा आता है, उसी के लिए हम दोबारा वो गेम खेलते हैं। इस तरह हमें इसकी लत लग जाती है। यही हाल गोल्स अचीव करने का भी है। तो नॉन प्रोडक्टिव चीजों की लत में पड़ने की बजाय खुद को प्रोडक्टिव गोल्स की लत लगाएं, जिनसे आज भी खुशियां मिलें और मुस्तकबिल में भी। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया था कि ये बात पल्ले बांध दें कि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, बल्कि आप वो काम भी कर सकते हैं जो कई दूसरे नहीं कर सकते। याद रखिए, कुछ करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है, वरना तो अगर आप मान लें कि आप बिस्तर से ही नहीं उठ सकते तो नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उठने का इरादा ही नहीं बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।